हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, ये इंटरनेशनल मार्केटिंग की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ ग्लोबल ब्रांड। ग्लोबल ब्रांड का क्या मतलब होता है? बाय दिस टाइप ऑफ ब्रांड स्पेसिफिक एडवांटेज ऑफ मार्केट डेवलपमेंट कैन बी ऑब्टेन्ड। अगर आप इस तरीके के ब्रांड का यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ही चीज़ों का एडवांटेज मिलता है। Although due to cultural and other factors, the use of similar type of brand is not possible. Example, cultural interpretation of color, number, symbol is different in different countries. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हर जो कंट्री होता है वहाँ का कल्चर अलग अलग होता है, तो इसलिए आप एक तरीके का ब्रांड यूज़ करें ये पॉसिबल नहीं होता है। जैसा जिस कंट्री में जो कल्चर है उस हिसाब के ब्रांड आपको यूज़ करने पड़ेंगे। नेक्स्ट जो है वो आपका सिमिलरली समटाइम द मीनिंग ऑफ वन वर्ड इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। जैसा कि कभी कभी ये होता है कि एक जो वर्ड होते हैं लेकिन उसकी जो मीनिंग होती है वो अलग अलग भाषा में उसकी मीनिंग अलग होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो आपका सो ग्लोबल ब्रांड शुड बी यूटिलाइज आफ्टर कंसिडरिंग लोकल फैक्टर एंड कल्चरल मैटर। इसलिए अगर कभी भी आप लोगों को ग्लोबल ब्रांड यूज़ करना हो या मतलब फॉरेन का ब्रांड यूज़ करना हो ब्रांड नेम, तो वहाँ के ब्रांड को पहले आप अपने एरिया में देख लें, जहाँ के आपका कल्चर है आप उस कल्चर में देख लें कि वो ब्रांड क्या हो रहा है, सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर वो जो भी ब्रांड नेम है उसका मतलब यहाँ पे या इस कल्चर में वही सेम मतलब है या फिर नहीं है, ठीक है। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।